यार सस्पेंड होइएगा कि नहीं, बोला सब खाना देखा है, दिमाग खराब मत कीजिए, बेरम बस सुनिए, जो कि पब्लिकली नहीं किया जा सकता, कान अनुसंधान में है, ठीक है, मेरा पहले सुन लीजिए जी, मेरा कहना है कि जब FIR दर्ज हुआ तो आपको पता है कि जो मुदाले जो दबंग है पैसे वाले है, फॉरवर्ड पहले सुन लीजिए मेरा बात भी सुन लीजिए, आपको आपका भी सुनेंगे, फॉरवर्ड जाति के एक तो यदि मैनेजर है, पैसे वाले है, दबंग है, उस पर FIR हुआ तो अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? देखिए कान अभी अनुसंधान बताते, अभी इसमें कुछ बोलना उचित नहीं है, मेरा जवाब दीजिए, आप पर FIR होगा तब सस्पेंड होगा कि नहीं, वो अग्रिम कार्रवाई के बाद ही पता चलता है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में, इस बारे में मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए कि कान अनुसंधान अंतर्गत है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका समाधान दीजिए, आप पर FIR होगा सस्पेंड होइएगा कि नहीं, हम नहीं कुछ बोल सकते इस मामले में, ठीक है, कान अनुसंधान, ये बोलिए ना कि मैनेजर का झूठा चाट लिया, अब दलाली लिया, घूस ले लिए, ईमानदार की तरह बात करिए, ईमानदार की तरह बात कीजिए, ईमानदार के तहत तभी तो सामने, अभी तो मैनेजर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई चल रही है, आपको पता है ना कार्रवाई की, एक चीज और बताइए कि कोई भी SC ST मामला जो FIR दर्ज होती है उसमें पता नहीं कि 60 दिन के अंदर उसको अनुसंधान करके आरोप पत्र करके कोर्ट में दाखिल कर देना रहता है, इसका 55 उम्र तय कितना दिक्कत हो गया, 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने ज्यादा, उसका आरोप पत्र दाखिल हुआ, ठीक है हो जाएगा, कान अनुसंधान करता है, कार्रवाई चल रही है, अब हो जाएगा सर, इन पर पहले कार्रवाई होना चाहिए, काम हो जाएगा, कानून आपको बताएगा, पब्लिक कानून हो जाएगा, सुनिए आप कानून के साथ लापरवाही किए कि नहीं, आपका नियम में क्या लिखा हुआ है, 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने का, बहुत सारा चीज में प्रावधान ऐसा है, ठीक है, कांड में कुछ त्रुटियां रहती है जिस वजह से ऐसा होता है कभी कभी, आपको SP साहब लिख के दिए हैं, जब कोई कांड में त्रुटि रहती है तो आपको पुलिस अधीक्षक लिख के देगी तब जाकर लंबित होगा, आपको लिख के दिया SP सब हो जाएगा, दिखाइए लिख करके दिए हैं कि नहीं, 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 नहीं दिए तो फिर आप लापरवाही क्यों किया, यानी कि दलितों के सबसे बड़ा दुश्मन तो आप हैं, करके देना चाहिए, सुनिए SP तो फॉरवर्ड चलेगा लेकिन आप भी फॉरवर्ड है, जिस बारे में बता रही है कान अनुसंधान मतलब है, अब इसमें चली जा रहा है, सुपरविजन वगैरह सब हो रहा है अभी, ठीक है, इनको मुआवजा मिला, ये बताएंगे ना कल्याण विभाग से ही बताएंगे, मुआवजा प्रस्ताव मैंने भेज दिया है, झोला छपाना था क्या, दिमाग खराब मत कीजिए, बेरम भाई बस सुनिए सुनिए, झोला छपाना, सुनिए सुन लीजिए ना, आप ही बताइएगा तो हम पीछा कर, ये देखिए झोला छपाना आदेश के भी पता नहीं है कि SC ST याद दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है, दे दिया गया है वहाँ पर, इनको क्यों नहीं मिला, विभाग में भेजा, अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला, सर अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला, नहीं सुन लीजिए बड़ा बाबू जी, आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे परिवार हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं, और आप हमारे खून हैं, हमको भी दर्द होगा कि आप पर कलम चलेगा, आपको पता ना चाहिए कि सरकार में फॉरवर्ड को बचाना और दलित को फंसाना बहुत ईजी है, तो मैं चाहूंगा कि इनको अविलंब इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए, ठीक है कार्रवाई अब 1 साल के बाद कीजिए, इनको सुरक्षा, सुनिए ना बात कर बात करिए ना सुरक्षा मुहैया इनको कौन कराएगा, सुरक्षा मुहैया होगा, आप भी आप 3 काम कीजिए जी, जो जो संवैधानिक जो जो प्रोसेस है, पहले इनको अविलंब मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरा इनको सुरक्षा मिलना चाहिए, तीसरा इनको खाना पीना भोजन कपड़ा का व्यवस्था है, ये 3 चीज इनको कराएंगे, खाना पीना व्यवस्था का, हाँ पढ़ लीजिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं ठीक है जो भी प्रक्रिया होगी, ठीक है लॉ के तहत जो भी होगा हम करेंगे, सर आपका डेट पार हो गया है, इनको अपना की सारा चीज हो जाए, अब एक चीज बताइए सर कि मैनेजर पर FIR हुआ वो दबंग है पैसा वाला है, ये सुनिए हाँ दिखा रहे साक्ष को मिटाने के लिए इनको हत्या कराने पर उबा जाएगा अपना नौकरी बचाने के लिए, तो इनको सुरक्षा के लिए आप अभी तक क्या किए, सब हो रहा है सब साफ हमने के लिए कागज में जी, थाना अध्यक्ष के पावर नहीं है कुछ, हम कर रहे हैं उसमें थाना अध्यक्ष, देखिए सर मुक्त बनाना दलित को छोड़ दीजिए और फॉरवर्ड पर चाटना छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड का दलाली करना छोड़, ये गलत मैसेज है, तो मैसेज तो सही, इनको सुरक्षा कौन देगा, हम देंगे सुरक्षा के बैठते हैं, सब चीज हो रहा है, आप भी दीजिए और नहीं दीजिएगा फिर थाना छोड़ के चल जाइए, ठीक है अभी हम लोग ताला मारेंगे थाना में, इसलिए थाना मेरा आपका नहीं है, ठीक है ये वर्दी और टोपी जो पहना मेरा है आपका नहीं है, पता है ना जी, आपका वेतन जो मिलता है मेरा है, मेरा बाप का मिलता है, सरकार अपने बाप का नहीं देता है, इनको भी सुरक्षा मुआवजा दीजिए, ठीक है अभी हाथों हाथ दीजिए, और इसमें क्या क्या मामला है, ये जो है आवेदन लगाई लिए हुए हैं, अच्छा सुनिए एक सवाल मैंने पूछने दीजिए, तो क्या आप इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार है, सुरक्षा दे रहे हैं, उनका विधि व्यवस्था जो भी होगा, ठीक है विधि व्यवस्था में सुरक्षा देना है कि नहीं है, देना है, कहिए कि फिर देने के लिए आप तैयार हैं, दूसरा चीज जो इन्होंने मांग किया कि जो SC ST एट्रोसिटी के तहत इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए
नियम तो ये है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो 25% इनको मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए आपके अनुसंध अभी के बाद कि हाँ ट्रू केस हो गया तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। ये लापरवाही आपकी है, मानते हैं? नहीं, इसमें कोई यथी नहीं है, जो प्रक्रिया के तहत होता है उसको किया गया, जो प्रावधान है उसका हमने पालन किया। तो वेलफेयर ऑफिसर से आपको वार्ता तो हुई होगी, आपने जब लिख करके भेजा तो वेलफेयर ऑफिसर आपको तो कुछ कहा होगा? नहीं, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट एस पी साहब के माध्यम से ही वहाँ पर जाता है। अच्छा, तो अच्छा इनको अभी तक नहीं मिला है कि किनकी लापरवाही है? ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं हम आपसे जानना चाहिए, लापरवाही किसकी किसकी है, आपकी या एस पी साहब? फर्स्ट करिए सर, लापरवाही किसी की नहीं है। नहीं कहते, नहीं गलत, ये तो गलत, लापरवाही तो है ना, ये गलत है, लापरवाही नहीं कहते। अच्छा, कानून में ऐसा प्रोविजन है ना कि एससी एसटी एट्रोसिटी में जैसे ही आपका एफआईआर दर्ज होता है, केस ट्रू होता है, तो 25% इनको मिलना चाहिए, सच क्या गलत? एक मिनट करिए, सच है कि गलत है? सच है ना, तो आपने दिया अभी केस अनुसंधान, अनुसंधान बात की बात है सर, अनुसंधान सुनिए एक मिनट, अनुसंधान के बाद मालूम है कितना परसेंट मिलना चाहिए? अनुसंधान के बाद 50% मिलना चाहिए, चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद यार दर्ज होते ही आपको मिलना चाहिए। घुमा फिरा के प्लीज मत बोला जाए, आप एक थानेदार हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिम्मेवारी को सर लेना पड़ेगा। अगर इनको चार अथी के बाद नहीं मिला है तो आप कहिए कहां लापरवाही हुई, इसको चाहे तो आपके नहीं तो एसपी साहब इनकी, मैंने प्रक्रिया कर दिया है, ठीक है, उसके तहत इनको मुआवजा मिलेगा ही। तो किनको, किनके वजह से नहीं मिला? ठीक है, आप प्रक्रिया कर दिया सर, सर सर किनके वजह से नहीं मिली बताइए? कल्याण विभाग के द्वारा ही है। तो लापरवाही उसी का है जी, कल्याण विभाग का है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका कहना कि कल्याण विभाग के लापरवाही के वजह से इनको नहीं मिला। ये एफआईआर अभी तक नहीं हुआ, इनको देखिए इसका जवाब दीजिए। कहाँ का मामला है सर? कहाँ का मामला? आपको आवेदन मिला ही, हमारे तक आवेदन आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है? आप कह रहे हैं कि जब सब एफआईआर दर्ज होती है, ये एफआईआर अभी तक क्यों नहीं? ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया, थाना में आया नहीं आया, आया है। आप उत्तम कुमार जी को भेजे हैं, उत्तम कुमार जी सुपरविजन के नाम पर जाके उनसे मिले हैं और मोटी रकम लेकर के, मोटी रकम लेकर सर हमारी मामला को दर्ज नहीं की गई है सर, एकदम हम इसका हम एफ आई आर करेंगे। ठीक है, करेंगे नहीं करके तुरंत फोटो को भी दीजिए। ठीक है, तुरंत प्रधानी दीजिए, इसका फोटो को भी लीजिए, एफ आई आर दीजिए और इनको सुरक्षा दीजिए। एफ आई आर होगा, ऑनलाइन एफ आई आर होता है, ऑनलाइन हो रहा है एफआईआर, कौन लगाएगा? सब लगेगा, ऑनलाइन हो रहा है एफआईआर भाई। अच्छा, नहीं समझे, एक सेकंड, डीजीपी साहब क्या ऐसी वीडियो देखे हैं? डीजीपी साहब सुनिए, डीजीपी साहब क्या आदेश है कि 24 घंटा के अंदर एफआईआर दर्ज करके मिल जाएगा? मिल जाएगा तो हमको अभी चाहिए, मिल जाएगा आपको एफआईआर कॉपी चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो अब ठीक है, और मिल जाएगा, और मामला आइए, और मामला है, हमको क्यों दे रहे हैं आप एफआईआर कीजिए? निष्पक्षता पूर्वक एकदम निश्चिंत रहेगा, जिम्मेवारी पद पर। देखिए सर, जानते हैं आजादी के इतने साल हो गए, दलित आज भी जो है ना दर दर भटक रहा है, इस कुर्सी पर आपको इस जिम्मेवारी के साथ बैठाया गया है कि लोगों को आप न्याय दे सके, अगर नहीं न्याय देंगे तो लोगों में जन आक्रोश बढ़ेगा। सही बात है, इस प्रकार मैं न्याय देने के लिए ही बैठा हूँ, यहाँ करूंगा ही। सर, इसमें अभी तक आप क्या किए? इतना गंभीर मामला 102-23 जी, तेल्हाड़ा का मैटर है, ठीक है, मैं थाना अध्यक्ष वहाँ बात करूंगा क्या मैटर है इसमें। अभी अभी क्यों नहीं बात कीजिएगा? गैंग, सुनिए, छोटा मोटा मामला, गैंग रेप का मामला है, नहीं, और हत्या का मामला है, आज तो अभी बात करके हमको सुना दीजिए। इसलिए हम बात करेंगे, उनसे बात भी किए थे पहले, कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, ठीक है, हम इसमें डिटेल्स बात करके आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे। अभी बात कीजिए, फोन लगा के बात करने में, नहीं बात कीजिए, नहीं हटेंगे सर, आपको दिक्कत हो जाएगा, हम बैठ जाएंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका इज्जत बचे, हमारा काम कीजिए, हाथ कीजिए, नहीं तो अगर बैठ जाए आपको सर दिक्कत हो जाएगा। एसपी जो ऐसी छोटा एसपी है जातिवादी।